गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मैं मतलब बोलूँ क्या, प्रिपेयर नहीं किया था ऐसा कुछ. मैं मतलब पढ़ते टाइम मतलब बाहर की चीज़ें नहीं सोचता था. मैं सोचता था अभी पढ़ाई करनी है तो बस पढ़ाई करनी है, क्योंकि बाहर तो मैं चला जाऊंगा कभी, और घूमने जाना है, कुछ करने जाना है, बहुत कुछ है करने के लिए. पर अभी जब पढ़ाई कर रहा हूँ तो अगर ये अच्छे से कर लिया तो हमेशा वो कर पाऊँगा जो चाहता हूँ, और अगर अभी मैं वो कर लिया जो चाहता हूँ तो हमेशा किसी और का करना पड़ेगा. मैं मतलब कभी भी डीमोटिवेटेड फील जब भी मेरे को होता था तो मैं यही सोचता था कि मतलब अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं होगा, 2 घंटे आराम से सो लूँगा, टीवी देख लूँगा, उसके बाद क्या, तो उसके बाद तो कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए. तो इसलिए मैं यही सोचता था कि अगर ये एग्ज़ाम निकाल लिया तो आगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो कभी डिप्रेस फील नहीं होता था. और जब कभी होता भी था तो टीचर्स इतने अच्छे मिले थे, कपिल सर, आज़ाद सर, राठौर सर, अंकित सर, सब मतलब बहुत मोटिवेटिंग है. मतलब कभी मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं उनसे जाके बोलता था सर अच्छे नहीं आ रहे, उससे पहले सर मेरे को कह देते थे तुम्हारे अच्छे नहीं आ रहे. तो सर बहुत मोटिवेटिंग बातें करते थे कि तुम तो कर ही सकते हो, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो बाकी मतलब क्या करेंगे. तो मुझे मतलब हमेशा सपोर्ट, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं सोच सकते, आपके पेरेंट्स सोच सकते हैं कि कब इसके लिए खाने का टाइम होता है, कब इसको क्या चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, कब इसको नई कॉपी चाहिए या कुछ चाहिए, ये सब हमेशा पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं. तो एक स्टूडेंट मतलब बिना टीचर, बिना पेरेंट्स के कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, और अगर कर भी लेता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है. हमेशा टीचर्स ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को. कभी छोटा सा छोटा डाउट है या बहुत बड़ा डाउट है तो मैं सर के पास जाऊं कि सर ये बन नहीं रहा है मेरे से, तो सर लोग पहले बिठाते थे, बोलते थे ये बनता है. तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को एक एक स्टेप वाइज सिखाते थे, कभी हड़बड़ी में नहीं रहते थे कि ये तुम घर जाके देख लेना, जितने बजे बोलूँ, जितना लेट हो गया है, क्लास हो सकता है आधा घंटा पहले ख़त्म हो गई है, पर सर बताने के लिए हमेशा रुके रहते थे. कभी ये फील नहीं होने दिया सर ने कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ. हमेशा मुझे ये फील होता था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे टीचर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं. और जो अभी 11th, 12th, 8th, 9th, 10th मतलब जो अभी अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उन सबको बस यही सजेस्ट करूँगा कि बस आप मतलब खुद को चीट मत करिएगा. मतलब अपन को ये लगता है कि ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं, बाजू वाला तो नहीं पढ़ रहा है, वो तो कम पढ़ रहा है हमसे, तो ठीक है, बाजू वाले को जहाँ जाना है चला जाएगा, हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमें जाना है. और बिल्कुल पेशेंस रखिए, हमेशा हार्डवर्क पे बिलीव करिए, कभी स्ट्रगल से डरिए मत. अभी आप होंगे कितने साल के, कोई यहाँ पे 35-40 साल का तो नहीं होगा स्टूडेंट, सब 15, 16, 17, 18, 20 से तो कम ही होंगे ना सब. और सबको अगर अभी सब आप लोग हार्डवर्क कर लेंगे तो आगे आप कम से कम अगर 80 साल तक भी जिए तो आपके 60 इयर्स कितने कम हार्डवर्क से निकलेंगे, कितने इजीली निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. तो इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है बोलने के लिए. थैंक यू सो मच.